हेलो गाइस, गुड नाइट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम गए हैं शिमली, तो मैं दिखाती हूँ शिमली का नज़ारा। तो ये है शिमली और ये है पूरे पहाड़ और ये है यहाँ के खेत। ये है कंपोस्ट खाद और ये है पूरे पहाड़। ये है नैनू। तो ये है यहाँ के माल्टे और ये है यहाँ चूक के दाने, जिसको बड़ा नींबू कहते हैं, वो लगे हुए हैं पहाड़ों पे। तो इसमें इस तरह से माल्टे लगे हुए हैं और ये पानी का नल है, देखते हैं क्या क्या। ये है नल और ये लगे हैं प्याज के पेड़ और ऊपर पूरे खेत में जुताई करके उसमें अनाज उगाया गया है पहाड़ों में। और ये है पूरे पहाड़ का नज़ारा और ये है माल्टे। ये है केले के पेड़, इसमें लगी है केले, पूरे केले लगे हुए हैं। ये है ओखल, इसमें ओखल कूटा जाता है। ये है ओखल। क्या खा रही है, क्या खा रही है? केला खा रही है। कैसा हो रहा है? पहाड़ी केला, पहाड़ी केला है ना। पहाड़ों में इस तरह से कारोबार किया जाता है। और जो मैंने दिखाया अभी केले के पेड़, ये सारे केले के पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं, इनमें केले भी लगे हुए हैं जो मैंने दिखाया। और ये है पूरा शिमली के नज़ारे और पीछे से पहाड़ इतने प्यारे से लग रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही घूमने के लिए हम शिमली आए थे। ये तो गाइस, ये है रामबास का काटा। ये पूरा ऐसा होता है रामबास, इसमें ये वाला जो होता है इसमें कांटे होते हैं नुकीले। और ये यहाँ पे बनाई है लकड़ी के इकट्ठा करके, जिसको पहाड़ी में खलियो बोलते हैं, लकड़ी का ढेर यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, जो ठंडियों के समय, जो आजकल के सीज़न में, मतलब जो ठंडियाँ हो रही हैं उसमें आग सिकाई के लिए यहाँ से लकड़ियों को ले लिया जाता है। और ये हैं घास के लुट्टे, जो गाय को इकट्ठा करके जब ये खिलाया जाता है गायों को, तो यहाँ पे ये प्राल का लुट्टा है, जो धान के, धान काट के चूटने के बाद जो बच जाता है घास, उससे बनता है प्राल का लुट्टा। और ये है गज्जों के लुट्टे, एक दो और तीन और चार, चार गज्जों के लुट्टे हैं यहाँ पे और एक प्राल का लुट्टा है। और इस तरह से लोग यहाँ पूरा घास को काट के इकट्ठा करके इस तरह से गाय भैंसों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, कि बाद में जब घास को निकाल कर खिलाया जाता है, ये इकट्ठा किया जाता है घास को गाय भैंसों के लिए। और ये है यहाँ के घर, पूरे घर, और ऊपर ये पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। इस तरह से हमारे पहाड़ों में इस तरह से घर होते हैं, कि पत्थर वाले और लेंटर वाले। और इस तरह से हमारे पहाड़ों में, पहाड़ी जगहों पे इस तरह से जगह जगह पर घर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, कोई कहीं पे अलग अलग जगहों पे। तो ये है हमारे पहाड़ का नज़ारा, इतना प्यारा सा। से पूरे गज्जो और प्राल को यहाँ पे रखा गया है, जो शाम को गायों के चारे के काम आता है, चारे के उसमें डाले जाते हैं। ये मड़का गाँव है। तो गाय, ये है चूल्हा यहाँ पे, और यहाँ पे आग जलाई जाती है। और मैं दिखाती हूँ पहाड़ी हुक्का और चिलम। हुक्का ये, और ये होती है चिलम, जिसने नहीं देखी है पहाड़ों की हुक्का और चिलम, ये होती है, इसमें बुड्ढे लोग हुक्का पीते हैं। तो ये है हमारे पहाड़ों की हुक्का चिलम। जाम शिमली से जाने लगे चौबाटी की तरफ, और ये पीछे से चाची लोग, ताई लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं चौबाटी की ओर, और ताई को बहुत ठंडा हो गया है,
ताई ने एकदम सौ लौ लौड़ के ताई लगी हुई है क्योंकि पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है आजकल, ठंडी का मौसम है। तो हम ऐसे घूमते घूमते शिमली पहुँच गए थे और अब हम जा रहे हैं चवाटी की तरफ। तो गाइस अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने पूरी पहाड़ों की पहाड़ों में किस तरह से लोग लुट्टे बनाते हैं और लकड़ी के ढेर इकट्ठे करते हैं ये सब अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। पुरानी चीज़ें जो चीज़ें लोग धीरे धीरे भूलने जा रहे हैं और जाके शहरों में बैठे हैं, तो उनके लिए खास करके मैंने ब्लॉग बनाई है। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।